सपने में भी ना तुम्हें अपने पास नहीं देख सकता। अरे मुंह लगाना तो दूर की बात है, तुम मेरे आसपास रहती हो ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मुझे तो लगा था तुम शराब नहीं पीते हो, ऐसा लग रहा है दारू के नशे में डुबकी लगा के आए हो। पीता नहीं था, बड़ा पीनी शुरू कर दी। जैसे तुमने टिपिकल इंडियन बीवी की तरह मेरी लाइफ को नरक बना दिया। हमारी शादी हो गई है ना। चलो अच्छा ही हुआ, प्लीज शराब के नशे में तुमने माना तो सही कि हमारी शादी हो गई। तुम चलो माँ सोफे पे जाके सो जाओ। क्यों डार्लिंग, हम तो बेड शेयर करेंगे पति पत्नी की तरह। होश में तो तुम्हारे पास आ नहीं पा रहा था, पर अब शराब के नशे में आऊंगा। देखो दूर रहो, जानवर कहती हो ना मुझे, अब दिखा दो तुम्हें जानवर बनके। मैं दूर हूं मुझसे, मैं कह रही हूँ। देखो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ चिल्लाओ, लोग यही सोचेंगे कि दूल्हा दुल्हन बहुत एंजॉय कर रहे अपनी सुहागरात। चिल्लाओ। हाँ? 50 Shades of Grey का नाम सुना है? हाँ? शादी करने का बहुत चस्का लगा था ना तुझे, अब दिखाता हूँ क्या होती है शादी। हे माता रानी बच गई। हाँ नशे में आने के लिए शराब की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा चेहरे पे लगाओ, वो थोड़ा सा कॉलर पे, बाकी तो सब एक्टिंग है। एक्टिंग तो मैं इतनी अच्छी कर लेता हूं कि तुमसे बेहतर कौन जानता है। महक शर्मा बहुत गलत क्या शौर्य, मैं जितना तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ तुम उतना ही हद से बाहर जा रहे रॉकस्टार में रणबीर कपूर ने भी यही किया था। ओह, कैसे भूल गई कि दीदी तो बड़ा अच्छा एक्टर है। कमीना। बहुत हो गया शौर्य, बहुत देख ली तुमने कॉमेडी फिल्म, अब हॉरर का टाइम आ गया। ये लाइट कैसे जा सकती है? 2 पावर बैकअप्स भी हैं। मतलब सिर्फ मेरे कमरे की लाइट गई है। ये लड़की मरेगी मेरे हाथ से। मिला नहीं तो ये तो सो रही है। कल से एक नौकर नाइट ड्यूटी पे रहेगा। साला शौर्य खन्ना को फ्यूज जोड़ना पड़ेगा आधी रात को। साला एक आदमी काम का नहीं है। नींद हराम हो गई है इस टंटे में। कभी महक शर्मा मेरा फ्यूज उड़ाती है, कभी इस कमरे का फ्यूज उड़ जाता है। अरे पतिदेव, क्या हुआ? फ्यूज निकल गया था क्या? मैंने पहले ही सही अंदाजा लगाया था। ये फ्यूज निकला नहीं था, तूने निकाला था। चलो सो जाओ सोफे पर या जमीन पर, तुम्हारी जैसी मर्जी। मुझे तो मेरे बेड पे नींद आती है। चुपचाप सो जा। मैं रात को नींद नहीं आती है ना, तुम्हें बिस्तर पकड़ के लेटी रह। अगर उठी तो ये कब्जा कर लेगा। क्या सूर्य देवता का स्वागत कर रहे हो चाची? तुम उसमें पर्दे क्यों खोले हैं? महक, अब बिना चाचा चाची के रहने की आदत डाल ले। खुद को विदा करके आई हो ना। ससुराल की पहली सुबह और मैं 9 बजे तक सो रही हूँ। जी के 2 महीने के बच्चों की तरह घूम रहे हो। बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? पति हूं तुम्हारा, तुम्हारे आगे तो खुल सकता हूं ना। इमोशनली, फिजिकली। हमारा बेडरूम है, वॉशरूम भी हमारा ही है। अरे देख लो देख लो, लड़कियां मरती हैं मुझ पे। और वैसे भी तुम मेरी आधी अधूरी बीवी हो, आधा अधूरा लीगल हक तो बनता है ना। अरे देख लो देख लो। बेहू तो बेशरम बदतमीज। शादी हो गई है, बहुत बोलकर एक से बढ़कर एक छिछोली हरकतें करेगा कमीना। अरे ये लाइट और एसी किससे चालू होते हैं? मैडम हमने तो यहाँ से किसी ने चालू नहीं किया, लगता है किसी ने हॉल में से चालू किया होगा। तुम जाओ। मेरे घर के रूम में ना 4 स्विच होते थे टोटल और यहाँ 24। ऐसा लगता है इंसान स्विचेस से चलते हैं। महक का मिडिल नेम तो मुसीबत होना चाहिए था। कोई ना कोई कुल्हाड़ी ढूंढी लेती है अपने पैर पे मारने के लिए। महक मुसीबत शर्मा। आवारा, आवारा, किस गधे ने स्प्रिंकल्स ऑन किए? ब्लडी कवारन, पराठे वाले गली से बाहर निकलने का वीजा नहीं मिलना चाहिए तुझे जैसी जाहिल लड़की को। यू नो, तू जैसे ही देहाती इलिटरेट लड़कियां होती है जो खुद सिलेंडर गलत लगाकर मर जाती है। ब्लडी हेल, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। बेवकूफ लड़की, देख के निजा से। एक सेकेंड, कोई बात नहीं श्वेतलाना, कौन सा तेजाब गिरा दिया है? पानी है, जाकर पहुंच लो। और तू चल मेरे साथ। अरे आज ससुराल में तेरा पहला दिन है, अपना मूड ऑफ मत कर। श्वेतलाना तो ऐसी ही है, ऐसे ही बात करती है। आज तुझे सबके लिए नाश्ता बनाना है। तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, मगर शादी के बाद पहली सुबह हर बहू का इम्तिहान होता है और उस इम्तिहान में सिर्फ सास ही उसे पास कर सकती है। तो सोच ले, आज तुझे मुझे इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाना है। अच्छा सुन, पहले तैयार हो जा, कपड़े चेंज करके किचन में आ जा, ठीक है? शौर्य साहब के लिए सैलेड, समीर मामा के लिए करेला जूस और श्रुति मैम के लिए पास्ता बना दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवारा, आज का नाश्ता मेरी बहू बनाएगी। माँ, आपको तो पता होगा ना कि किसे क्या पसंद है, तो आप बताइए ना मैं क्या बनाऊं। बेटा, हमारे घर की किचन में ना रोज सुबह नाश्ते का बंटवारा होता है। समीर मामा को डायबिटीज है और तुम्हारी श्वेतलाना मामी को हाइपरटेंशन। अब तुम सोच लो कि क्या बनाना है। आवारा भैया, माँ आज से सब लोग एक ही खाना खाएंगे, कोई बंटवारे की जरूरत नहीं है। छोटे मामा भी वही खाएंगे जो बाकी सब खाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पूरी और आलू की सब्जी बनाऊं और मीठे में बनेगा हलवा, कैसा रहेगा? बेटा, ये आलू पूरी हलवा हैवी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज से इस घर में बनेगा नाश्ता सिर्फ और सिर्फ फॉर्च्यून वीवो तेल में। मामी जी का हाइपरटेंशन भी कम करने में हेल्प करेगा और छोटे मामा है ना, उनका भी शुगर लेवल मैनेज करेगा। इसलिए माँ, जिस किसी के घर में परिवार वालों को हाइपरटेंशन या शुगर की दिक्कत हो, वहाँ खाना सिर्फ फॉर्च्यून वीवो तेल में ही बनना चाहिए। जब बात हो स्वाद और स्वास्थ्य की, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अरे वाह, ये तो तूने आते ही सेहत बनाने और वक्त बचाने का आइडिया दे दिया। वहां से सूजी दे दो ना। हाँ हाँ, देती हूँ अभी। Yes, बूढ़े हो गए हो, हड्डियां कमजोर हो गई। अगर ऐसा कुछ है तो नौकरी आज ही छोड़ दो। ब्रेकफास्ट कहाँ है? चर्बी चढ़ गई है ना इन सबको। वैसे भी शौर्या की शादी के तमाशे में सारा काम तो वेडिंग प्लानर ने किया था, तुम तो अय्याशी कर रहे थे। मैम, नाश्ता बन गया है। आज मैं नहीं बना रहा था, वरना टाइम से बनाता। अच्छा, तूने नहीं बनाया तो किसने बनाया? वो ये खाना तेरी भाभी ने बनाया है, तुम अंदर जाके हेल्प करो। आज का नाश्ता इस घर की नई बहू ने बनाया है। आंटी जी, आप ना ये रीति रिवाज के चक्कर में हमारे ब्रेकफास्ट की बलि मत दीजिए। वैसे भी पता नहीं कैसा अनहेल्दी और घटिया सा खाना बनाया होगा आपके परांठे वाली गली से आई हुई सो कॉल्ड बहू ने। डोंट वरी श्रुति, कच्ची पूड़ियां और जली हुई खीर नहीं खिलाएगी, जैसे कि तुमने अपनी पहली सुबह वाले दिन खिलाया था, याद है ना? चलो भाई खाना स्टार्ट करें, नाश्ता लग गया है। अरे खाएंगे ना, क्यों नहीं खाएंगे भाई। महक ने पहली बार हमारे घर में खाना बनाया है, और मैंने तो इतनी तारीफ भी सुनी है तुम्हारे खाने की। अरे वाह वाह वाह, आलू पूरी हलवा, मजे है भाई। हैं? वाह। समीर हलवा लो। थैंक्स। क्या खाना बनाया तुमने, इतना मजेदार खाना खाया तो जमाना हो गया भाई। ऐसा लगता है जैसे तेरी उंगलियों में पराठे वाली गली के मसाले मिले हुए हैं। महक, भाभी नहीं कहूंगा, इट्स वेरी अनकूल, मगर खाना इट्स वेरी कूल। मैक, तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया भाई। इतना अच्छा खाना तो मेरी दीदी भी नहीं बनाती है। बहू भी ऐसी लाई हूँ जो मेरे ही कान काटे। What? जाके और लेके आओ। इतना बुरा भी नहीं है। है तो बहुत अच्छा। अब सबको मानना पड़ रहा है। अरे तो देना पड़ेगा ना तेरा नहीं वो। अरे तेरी जेब में कितने पैसे थे? दे दे, निकाल, दे दे सारे, दे दे, क्या गिन के रहा, ला दे दे दे, ये ले रख, खुश रह। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुझे, सही बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कुछ खास है क्या? नहीं, जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते वो आज एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाए। हमारा एक काम कर, हलवा डब्बे में डाल के दे दियो मुझे, निकल रहा हूँ 5 मिनट में। हिल्लो और कपूर को खिलाऊंगा, वो तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भांजे तू भी खा के देख, बहुत बढ़िया बना। चलो बाय। आज महक ने खाना बनाया है, बेटा तुम दोनों भी एक दूसरे को खाना खिला दो ताकि रस्म पूरी हो जाए। मैं प्लेट लगा देती हूँ और तुम और महक एक दूसरे को खाना खिला के ये रस्म भी पूरी कर लो। ले, खिला दे महक को। माँ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, प्लीज। मैं वैसे भी बहुत लेट हो रहा हूँ, आज रेस्टोरेंट की सॉफ्ट ओपनिंग है और इन रस्म रिवाजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप खाना खा और महक को भी खिला, समझ में आया?